बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। नवादा में आग का विकराल रूप दिखा है। गेहूं के कई खेतों में भीषण आग लगी है। बिजली तार के टकराने से चिंगारी निकली है और 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया है। 12 से भी ज्यादा किसानों के खेतों में भीषण आग लगी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के पेंगरी गांव की घटना बताई जा रही है। नवादा में आग का विकराल रूप इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। गेहूं के कई खेतों में भीषण आग लगी है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के पेंगरी गांव की घटना इन तस्वीरों में आप देखिए। न्यूज सेट बिहार झारखंड आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी भीषण आग है। जैसे तैसे स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। 12 से भी ज्यादा किसानों के खेतों में भीषण आग लगी है। हालांकि ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग भी की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, न्यूज सेट बिहार झारखंड पर आपको दिखा रही है आग की ये भयावह तस्वीर। 30 एकड़ गेहूं की फसल इस आगजनी में जलकर खाक हो गई है। बताया जा रहा है कि बिजली तार के टकराने से चिंगारी निकली है और इसके बाद 30 एकड़ गेहूं फसल जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया है। 12 से भी ज्यादा किसानों के खेतों में भीषण आग लगी है और आग की ये भयावह तस्वीर आप देखिए। न्यूज सेट बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के पेंगरी गांव की घटना ये बताई जा रही है, जहां पर लगभग 30 एकड़ गेहूं जलकर खाक हो गई है। नवादा में आग का विकराल रूप देखने को मिला है। नवादा के वारसलीगंज की ये घटना है। देखिए यहाँ पर 30 एकड़ में फसल जो गेहूं लगे हुए थे वो जलकर खाक हो गई है। वारसलीगंज थाना क्षेत्र के पेंगरी गांव की घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमृत गुप्ता जुड़ रहे हैं। अमृत, नवादा में आग का विकराल रूप देखने को मिला है, फसलों को नुकसान हुआ है, पूरी जानकारी दे। जी पूजा, मैं बता दूं, ये घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के पैंगरी गांव का है, जहां बिजली की चिंगारी से 30 एकड़ में तैयार गेहूं फसल जलकर राख हो गई है। ग्रामीणों लगभग 30 एकड़ तैयार गेहूं फसल राख हो गई है। मौके पर ग्रामीणों के सूझबूझ से बेकारी व्यवस्था के साथ आग पर काबू पाया गया है। लगभग 1 दर्जन से अधिक किसानों के खेत में लगा गेहूं फसल जलकर राख हो गई है। इस इलाके में इस वर्ष गेहूं खेती में काफी क्षति हुई है। अमृत, क्या फायर ब्रिगेड की टीम को यानी कि दमकल विभाग को इस बारे में सूचित नहीं किया गया? ग्रामीणों ने सबसे पहले तो सूझबूझ से अपनी यदि की जहां तक। अमृत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। गेहूं के कई खेतों में भीषण आग लगी है। आग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, न्यूज़ सेट बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है।